हार्मोन यानी पादप हार्मोन बताए थे। पादप हार्मोन को यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को हम फोटो हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? फोटो हार्मोन। फोटो हार्मोन मतलब पादप हार्मोन कहलाएगा। ये कितने टाइप के थे बाबू लोग? दो टाइप के। पादप हार्मोन कौन था? पॉजिटिव, यानी ये वृद्धि करता था। पादप गलती लिखा गया जी। एक था निगेटिव, ये क्या करता है? वृद्धि को क्या करता है बाबू? रोक देता है। वृद्धि को रोक देता है। एक को कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक, एक को कहते हैं वृद्धि रोधी। सबसे पहले इसमें अगर जिबरेलिन समझ लीजिए, जिबरेलिन अंकुरण कौन करेगा? फलों को टाइम से पहले गिरने से रोकता है जिबरेलिन। एक और आपका ऑक्सीन, ऑक्सीन, ऑक्सीन से कौन सा मीटर बना है? ऑक्सीनोमीटर। क्या बना है? ऑक्सीनो। पेड़ पौधों की वृद्धि कौन नापता है? ऑक्सीनोमीटर। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? ऑक्सीनोमीटर होता है प्रकाश की ओर कौन ले जाता है? ऑक्सीनोमीटर। गुरुत्वाकर्षण की ओर? ऑक्सीनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों को टाइम से पहले गिरने से रोकता है। खर पतवार को नाश कर देता है ऑक्सीन। खर पतवार किसे कहा जाता है? पेड़ में उगने वाले आलतू फालतू पौधे को क्या कहा जाता है? खरपतवार। ऑक्सीन के बारे में भी समझा दिए थे। कोशिका विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। साइटोकाइनिन नए ब्रांचेज वगैरह या फिर कोशिका विभाजन करना, ये किसका काम होता है? साइटोकाइनिन। चौथा का नाम क्या था? ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन घाव कौन भरता है? घाव भरने का काम, फूल खिलाने का काम फ्लोरीजेन कौन करता है? फूल कौन खिलाता है? फ्लोरीजेन। फूल खिलाने के लिए किस पोषक की जरूरत होती है? फास्फोरस। देखिए फास है फ्लोरीजेन, फास है फ्लावर, फास है फास्फोरस। लेकिन यहां देखेगा कि फास्फोरस ऐसे होना चाहिए, फ्लोरीन हो जाएगा। समझ में गया? फास्फोरस फूल खिलाने के लिए जरूरत होती है। कुछ चीजों में फूल खिलते नहीं है, जैसे गुल्लर नहीं खुलता। तो देहात में ऐसा कहावते कहा जाएगा ना, गुल्लर का फूल कोनो चीज में डाल दोगे तो चीज खत्म नहीं होगा। ले भैया पहले गुल्लर का फूल ले आओ, तब ना वो चीज में खत्म नहीं होगा। ऐसा ऐसा देहात में कहावत कहा जाता है कि गाय के गोबर पे बिजली गिर जाएगा तो सोना हो जाएगा। ये मतलब पहले भारत में बहुत से लोग खाली रहते थे, काम धाम नहीं था, उल्टा सीधा अपना सिद्धांत दिए। अब वही जो सीबीएसई बोर्ड वाला था अंग्रेज सब, वो क्या सिद्धांत दिया? बर्नौली का प्रमेय, न्यूटन का नियम। हमारे यहाँ मोर के पंख को चूना खिलाओ बड़ा हो जाएगा, वो कह रहा है गैलीलियो का नियम। हम लोग कह रहे हैं जो चाहे गुल्लर का फूल डालो तो नहीं खत्म होगा। यही सब कहते हैं वो सब बेचारा, सब गुरुत्वाकर्षण का खोज इत्यादि कर रहा है सब। हम लोग अभी नजर उतार रहे हैं लोग चौराहा का, मिट्टी झाड़ू का तिनका, लाल मिर्चा बबुआ का नजर बुझो जल जी तो ले। यही सब तो हो गया हमारे यहाँ। हाँ पेंसिल का छिलका दूध में डालो रबड़ बन जाएगा। सबसे खतरनाक तो बचपन में हमको चढ़ा दिया था सर कि 120 बार रगड़ो तो यहाँ अपने बचपन में हम 120 बार रगड़ दिए थे, चमड़े उड़ गया मेरा, परमानेंट टीका बन गया था। रगड़े आप लोग में कितना लोग रगड़ा है? दो चार गए थे हमारे कैटेगरी का। तो सब कहावत है उसको मत दीजिए। तो ब्रायोफाइटा, ये सॉरी ब्रायोफाइटा आगे पढ़ने, फ्लोरीजेंस किस चीज में हेल्प करता है? फूल खिलाना। किस चीज में मदद करेगा? फूल खिलाना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये कौन से थे? वृद्धि प्रवर्धक, ये वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब वृद्धि रोधी बताना था, ये तो हम बता ही दिए थे ना। अब वृद्धि रोधी देखिए, वृद्धि रोधी में दो ही हार्मोन आता है, एक एबीसीसी का हार्मोन, एबीए कहा जाता है। एबीसीसी का हार्मोन को क्या कहा जाता है? एबीए। एबीसीसिक एसिड होता है, ए बी से एबीसीसिक एसिड। तो ये एक एब्सेसिक एसिड है, ये भी क्या एक प्रकार का हार्मोन है। ये ससुर हर चीजें उल्टा करता है, अंकुरण रोक देगा, पेड़ पौधे में जो परागण की क्रिया होगी या फिर फल लगने लगेंगे उसको रोक देगा, पत्ती जल्दी झड़ा देगा, उल्टा सीधा कोशिका विभाजन को क्या कर देगा? रोक देगा। तो सबसे बड़का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन है? एब्सेसिक। जिस तरह से इधर सबसे मेन कौन था? जिब्रेल। उस तरह सबसे बड़का दुश्मन कौन है? एब्सेसिक एसिड। वृद्धि वगैरह को क्या करता है? रोक देता है। तो आप बताइए नेचर जो था यानी भगवान, उसका तो हर सब्जेक्ट सही था भगवान का, तो वो ऐसा गड़बड़ कैसे कर सकता है? देखिए कहीं कहीं वृद्धि को रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना धड़धड़ा कैसे वृद्धि
मोटाई में क्या होगी, कमी आ जाएगी, फिर वो बैलेंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत रफ्तार को मेंटेन करके रखना जरूरी है। लेकिन अगर यही ज्यादा हो जाए और यही कम हो जाए तो उसी को कहते हैं पेड़ जो है ना ठेमरा गया है, नाटा हो गया है ज्यादा। इसके बाद होता है एक एथिलीन, एथिलीन। देखिए एथिलीन का जो फॉर्मूला होगा C2H4, एथिलीन होता है C2H4, इसमें डबल बॉन्ड होगा, समझ में गया। ये हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे, सिंपल होता है एथिलीन एसिटिलीन, ये सब बच्चा वाला चीज होता है। वो भी आप लोग कौन सा इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट है कि आपको केमिस्ट्री बहुत डीप से पूछेगा, ऊपर ऊपर तो केमिस्ट्री पूछ देता है। तो ये पेड़ पौधों में ये एक गैस है, क्या है, गैस। ये एकमात्र हार्मोन है जो किस स्टेज में रहता है, गैस के स्टेज में रहता है। ये क्या करता है, फलों को पका देता है, क्योंकि एथिलीन क्या करेगा भाई, फल पकाता है, फल जो होता है पकाता है, फल पकाता है। आप नेचुरल पेड़ पर फल पकते देखें, गिलहरी ससुरा पहले ही जुठार देती है उसको, जुठारने का मतलब सोचते हैं आधा तन से खा जाना इसे, तो गिलहरी वगैरह उसको खा जाती है। तो फलों को जो नेचुरल पेड़ पर पकता है वो किससे पकता है, एथिलीन से। और ये नुकसानदेह भी होता है क्योंकि ये भैया एक गैसीय अवस्था में है, स्किन जला उला देगा। इसलिए आम देखिएगा, आम का टिकोरा बड़का बड़का साइज का आम तोड़ेंगे ना तो चोप लग जाता है उससे, उसका जो रस, जैसे मन के चलिए जैसे आम है ना, यहाँ आम, आम का ये डंठल हो गया, यहाँ से आम फला, इसे आम जब तोड़ेंगे तो यहाँ से ना कुछ लिक्विड निकलने लगता है ऐसे, उसको देहात में बोलते हैं चोप लग गया। क्या लग गया है, चोप लग। बचपन में हम लोग खूब ढीला ढाला कपड़ा पहन के जाते थे, कुर्ता टाइप का, और यहाँ बांध लेते थे रस्सी से ताकि इसमें आम हम तोड़ेंगे अच्छा से रहेगा। अब कॉलेज में घुस गया, सरकारी कॉलेज रहता था, अब पूरा आम भर लेता था आदमी ऐसे, अब भागता था इसे यहाँ पे। अब पूरा जब तक हम छोटे थे हमारे घर में कभी टिकोरा खरीद के नहीं आया, हम ही लेके आते थे पूरा। अब पूरा मेरी दादी थी उस समय जिंदा थी, उसको बड़ा बड़ा साइज का टिकोरा, उसको पहसूल लेके चीरेंगी और उसमें अचार बनाएंगी। और मेरी चार बुआ, सबके घर में दो दो किलो जाएगा, सोचिए हम बचपन से कितना मेहनती। सबके हमारे घर में एक साल का रखा रहेगा, पहले अचार उचार बड़ी चलता था, अब तो रेडीमेड का जमाना आ गया। उसमें क्या है कि ये जो चोप लग जाता था बदन में, कभी कभी क्या हो जाता है, जल जाता था चोप से। तो जलने का मतलब आग नहीं लगेगा, थोड़ा सा वहां पे ना घाव टाइप का हो जाता था, नीनावा टाइप का, धाक टाइप का हो जाएगा। खाएंगे तो यहाँ यहाँ अगर लग गया तो क्या निकल, चोप लग जाता, चमड़ा जला, किसकी वजह से, एसिटिलीन। आप लोग आम तोड़े कि नहीं, अरे हम लोग रात को 3 बजे तक में जाके तोड़े, रात 3 बजे, यहाँ उसी समय तो मेन था। अगर आंधी आया है तो जो पहले पहुंचेगा बगीचा वो लाल हो जाएगा एकदम कमा के कमा के मतलब सबसे ज्यादा मिल। एक बार हम ऐसे निकल गए थे, आंधी का मौसम बना था, हम घुस गए 3 बजे, आंधी कैंसिल हो गया। अब आंधी अभी नहीं किया, कभी कभी नहीं माहौल बना देता आंधी का, आंधी कैंसिल हो जाता है, अभी नहीं किया माहौल बनाया, हम रात को निकल दिए वहां पे, आंधी ये नहीं आया वहां। अब क्या करे, तो हम कहे कि कोई दिक्कत नहीं, बोरा लेके गए थे, कोई बात नहीं खुद तोड़ेंगे, कौन है यहाँ पे, तो कोई बोलने वाला है नहीं रात के वक्त। तो हम पेड़ पे चढ़े थे ना, तो हमको सुगुगाहट लगा कि कोई और आ रहा है, तो 3-4 आदमी और आ रहे थे, तो हम डर गए, रतिया को 3 बजे कौन पहचान रहा है कौन। तो अब आए सब, गधा हमारे पेड़वा पे चढ़ रहा था सब, जिस पे हम थे, हम कहेंगे डर भी लग रहा था, 3 संदेह हो रहा था, हमको लगा भूत उत हम लोग के पास नहीं आते हैं सब, पहले से पता है कि वो अपने कैटेगरी के लोगों को नहीं छेड़ते हैं। तब हमको धीरे से एहसास हुआ कि ससुरा हमारे मोहल्ला वाला है सब, लेट हो गया है सब। अब फिर अब मान के चलिए अगर हम बोलेंगे कि हम पहले से आए थे तो कहेगा से यही दोस्ती है, हमके छुपे रहने में ठीक है। तब तक उप चढ़ते चढ़ते एक ठो आया ना, तो मेरे पैरवा पकड़ लिया, अंधेरा में उसको समझ में आया नहीं, अब पकड़ लिया मेरे पैरवा, लेकिन उसको एहसास हो गया कि पेड़ नहीं पकड़ाया है। अब मान के पेड़ पकड़ेंगे पैर, उसको डर लग गया ये कौन सी है भाई, और देखा ना वो तो उसको आभास ने को अचानक देखा, ये भाग रहे भूत। आज जब वो कूदे सब ना, तो हम सोचे कि हम भी कूद के बताए इन सबको, तो हमारे दोनों हाथ में बोरा था, कूदे पर बोरवा ला रहा गया इसे। इतना बुरा भागा सो जिसका कोई हद नहीं। और शाम को ना सब बीमार पड़ा था, शाम हमसे पूछा जब मैं भाई आज मरते मरते बचे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि
कोशिश न करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, क्योंकि हम रात 3 बजे से कोशिश में लगे थे। तो जो आम वाम तोड़ते हैं ये ऊपर मोजर वोजर में चोप जो लग जाता है वो कौन सा एसिड होता है? एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। किस अवस्था में रहता है? गैसी। ये जो पकाता है फलों को एक सीक्वेंस में पकाएगा। इसकी एक खासियत समझिएगा, जब भी ये फलों को पकाए, चूंकि नेचुरल है तो पकाएगा ना, तो एक सीक्वेंस में पकाएगा और बेहतरीन ढंग से पकाएगा। इसलिए कभी आप उस आम या उस फल को खाइएगा जो पेड़ पर ही पका हो, उसका टेस्ट अलग रहेगा। और जिस आम को आर्टिफिशियल कार्बाइड लगा के पकाया गया हो उसका टेस्ट अलग आता है। तो ये धीरे धीरे, लेकिन एक ही खराबी है किसकी? एथिलीन की। ससुरा बहुत क्या होता है, धीरे धीरे पकता है, बहुत धीरे 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 पकाएगा। तो बचपन में हम लोग आम ले आके भूसा में डाल देते थे लोग, क्योंकि हीट रहेगा ना, हीट उससे भी थोड़ा सा ये एसिड तेजी से फैलेगा और क्या होगा, अच्छा से पकेगा। फिर भी उसमें क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। जो बचपन में हम लोग क्या करते, देखते थे कि पकिए नहीं रहा, डेलियों के दाब के देखते नहीं पकता है, तो तनी आधा पका है ना, तो आधे खा जाते थे लोग, इतने पका है ना, चल निकाले आज। तो वो जो एथिलीन होते हैं, कौन सा? एथिलीन। ये नेचुरली पकाता है पेड़ पर ही, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है, डिमांड इतना ज्यादा है कि पेड़ के भरोसे बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आर्टिफिशियल फल पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कुछ किताबों में देखिएगा तो लिखा रहता है इस पर रोक लगाया गया, बहुत ही चीज पर रोक लगाया गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली जो पकाया जाता है वो एसिटिलीन से, किसे? एसिटिलीन, लिख दीजिए एसिटिलीन, एसिटिलीन C2H2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। एथिलीन का क्या होता है? C2H4। आइए क्या है? एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन और नेचुरली एथिलीन, कृत्रिम पकाने के लिए। देखिए ये सब सही रहेगा, एग्जाम में यही भूल जाएगा कि एथिलीन की एसिटिलीन। अब इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 3-4 बार इसको ध्यान में रखें। अब इतना छोटा चीज कैसे भूल सकते हैं जी एग्जाम में, किसी को कोई दिक्कत? खुद हम पकाते हैं तो किस तरह से? एसिटिलीन। अब फल पकते हैं अपने से एथिलीन से, किसे? एथिलीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हम लोग ये एसिटिलीन गैस लाते कहां से? एसिटिलीन, एथिलीन गैस कहां से? कैल्शियम कार्बाइड से, किसे? कैल्शियम, CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड होता है, इसी को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? कार्बाइड। नॉर्मल आप इसको क्या कह सकते हैं? कार्बाइड। देहात में लोग इसे क्या कहते हैं? कार्बाइड के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड। इसमें हम क्या मिला देते हैं? पानी मिलाते हैं। क्या मिला देते हैं? पानी। तो ये रिएक्शन करके गैस देता है। कौन सा गैस देगा? तो ध्यान से देखिए, C2H2+CaOH का होल ट्वाइस। बैलेंस देखिए एक बार, मिलाइए बैलेंस। इधर कार्बन कितना है? 2। उधर भी कितना रहना चाहिए? इधर तो कोई कार्बन नहीं दिख रहा है, 2 इधर। पहले हाइड्रोजन देखिए, पहले हाइड्रोजन, 2 यहाँ, दो, ये जो बड़ा अक्षर लिखा रहता है इसका सब में गुणा होता है, जो लटकल रहता है वो पर्सनल है, तो लटकल है 2, इसका पर्सनल है, जो बड़का है सबको गुणा करेगा, तो इस 2 का इसमें गुणा होगा 2। बैलेंस हो गया। कौन सी गैस निकला? कैल्शियम कार्बाइड, सॉरी एसिटिलीन। कौन सी गैस निकली? एसिड। बाई प्रोडक्ट यानी फालतू चीज के रूप में क्या बच गया? कैल्शियम हाइड्रोक्स, ये चूना होता है। क्या होता है? चूना। तो देखिएगा इस पर ना, जहाँ साइकिल विकिल की वेल्डिंग होती है वहां चूना टाइप का निकला होता है, उसी से पोछ पाछ देता है, सब लीप देता है सब, वहां पे निकलता है। देखिएगा वेल्डिंग जहाँ करेगा ना, तो वो इसी चीज से वेल्डिंग हो जाती है। ये एसिटिलीन गैस जो होता है ना, क्या कर देता है? वेल्डिंग। लेकिन इसके वेल्डिंग में ताकत नहीं रहता है, मजबूत ये वेल्डिंग नहीं कर पाता है। ये हल्का चीज को, जैसे मान के चलिए कोई लोहे का पाइप है, हल्का सा पाइप है, इसको जोड़ना है तो किससे जोड़ते हैं? एसिटिलीन से। लेकिन अगर बहुत खतरनाक चीज को जोड़ना है, जैसे करकट वगैरह, इतना हैवी चीज है, बड़े बड़े चीज को, तो फिर इसके लिए फिर आपको फिर वेल्डिंग करने के लिए वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो आता है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को फिर करना पड़ेगा। तो ये वेल्डिंग के साथ साथ भी काम आता है, सड़े हुए इसकी लहसुन की तरह इसकी क्या आती है? गंध आती है। तो हार्मोन कितने टाइप के देखे आप? 2, मेनली 2, वृद्धि रोधी, वृद्धि प्रवर्धक। ये जो अब आप कहेंगे कि सर ये तो फल पकाता है तो वृद्धि कैसे रोक दिया, एक दिमाग में आएगा ना सवाल कि भाई ये तो अच्छा बात है। देखिए ध्यान से, जब कभी भी फल लगना चालू होते हैं, जब कभी भी फल लगना चालू हो जाते हैं तो पूरे
कहाँ चली जाती है, फलों के पास, इससे कि उस फल में वृद्धि विकास रुक जाता है। इसलिए देखिएगा कि कभी कभी कोई छोटे आकार के पेड़ में ही फल लगने लगते हैं तो उसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ देना चाहिए उसको, ताकि पौधा क्या हो सके, बढ़ सके, अन्यथा वो वहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वृद्धि विकास नहीं होगा, किसी कोई दिक्कत, उसका खुद का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया। अब 17-18 साल का ही है, अतले कोनो आके कहेगा मम्मी खाना बना दे, इससे इतने खुद ही 18 साल की है, 17 साल की, वो कौन सी बाल विवाह को इसीलिए ना रोका गया, भाई खुद बुद्धि नहीं है, तुम दूसरे को क्या बुद्धि दोगे, तू समझिए वो भी एसिटिलीन की वजह से एथिलीन, एसिटिलीन नहीं एथिलीन, समझ रहे ना। तो आपको टोटल हार्मोन कितने टाइप का पढ़ लिए, दोनों टाइप का, वृद्धि रोधी, वृद्धि प्रवर्धक। आगे बढ़ जाए, वह कौन सा ऐसा हार्मोन है जो खर पतवार को नाश करने में हेल्प किया, खर पतवार को नाश करने वाला ऑक्सीन हार्मोन था। अब ये खर पतवार क्या होता है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम खर पतवार पे पढ़े ना। वह कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में है, एथिलीन। नेचुरली कौन पकाता है, एथिलीन, आर्टिफिशियली एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस की प्राप्ति किससे करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, जिसे शॉर्टकट में लोग क्या कहते हैं, कार्बाइड कहते हैं, क्या कहेंगे, कार्बाइड कहते हैं। बहुत खराब महकता है, बहुत ज्यादा एक्सेस कार्बाइड कैसा है, बहुत खराब महकता है कार्बाइड वगैरह। हालांकि कार्बाइड को बचाने के लिए उसमें मिट्टी तेल डाल दिया जाता है। अगर आप कार्बाइड को रखेंगे ना इसे खुला में, तो कार्बाइड जैसे खुला में रखेंगे तो हवा में क्या हो जाता है, उड़ जाता है, रिएक्शन करके हवा में उसका पूरा गैस उड़ जाएगा और उसका पाउडर बचेगा और इतना भयानक महकेगा जिसका कोई हद नहीं। तो दुकानदार क्या करेगा ना, उसको मिट्टी तेल में भिगा देता है, मिट्टी तेल में ना डुबा के नहीं रखेगा, एक बार भिगा देगा तो थोड़ा सा वो हवा से रिएक्शन करना छोड़ देता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। अब हम समझते हैं ये जो ऑक्सीन हार्मोन है ये खर पतवार को भी क्या करता है, नष्ट करता है। खर पतवार को वीड्स कहते हैं और इसको मारने वाले को वेडिसाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, वेडिसाइड, खर पतवार। आपके पास जो मटेरियल दिया गया है उसमें बताइए तो क्या खर पतवार है, लास्ट में देखिए तो, हाँ लास्ट में देखिएगा, आपके पास खर पतवार का भी है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वीड्स लिखा होगा, ठीक है। तो खर पतवार क्या होते हैं समझिए ध्यान से, वीड्स या खर पतवार, खर पतवार, खर पतवार मुख्य भोजन, सॉरी मुख्य अनाज में जो हम मेन बोना चाह रहे हैं उस मुख्य अनाज के साथ साथ कोई छोटे मोटे जंगली पेड़ पौधे भी निकल जाते हैं, वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन वो फालतू का हमारे खेत से पानी ले लेते हैं, यूरिया पोटाश जो पोषक है वो ले लेते हैं और इसको वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जबकि उनसे कोई खास फायदा नहीं। अगर ऐसा चीज निकले जो हमारे यूज का हो जाए तो उसे हम खर पतवार कहेंगे, नहीं कहेंगे, तब उसे हम द्वि फसली कृषि कहने लगेंगे कि दो दो फसल एक साथ हो रहा है। लेकिन एक काम लायक फसल हो जाती है, एक फालतू हो जाती है। गेहूं के खेत में देखेंगे उल्टा सीधा कुछ कुछ निकल जाता है, धान के खेत में निकल जाता है, तो देहात में पता नहीं कुछ उसको सोवैया बोलते हैं, सोहनी, उसको पकड़ के नोचा जाता है, कुछ निराई करना, निराई कितना लोग जानते हैं, हाँ कुछ कोने जिला कर आ रहा भाई भोजपुरी वाला तो उसको निराई कहिए, हम लोग के यहाँ उसको सोहई की सोहई ऐसे बोलता है। उसमें क्या करते हैं लोग कि पौधा जब इतना बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको खोज खोज देखता है, निकल बगल में कोनो फालतू नहीं निकल रहा है ना, इतना मेहनत का काम है कि एक को फालतू फालतू को उसमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली आदमी को क्या करना पड़ता है, नोचना पड़ता है वहां पे, जिसका खेत रहता है बेचारा एक को आलतू फालतू चीज नोचता है। तो इतना अगर मान के चलिए किसी का हेक्टेयर में जमीन है, बीघा एकड़ में है, तब तो बेचारा सोहई करते रह गया, उसमें दिक्कत हो जाएगा। असवाही करने के चक्कर में आप एक दो पेड़ को कचार देते हैं, पक्का कचार देगा आदमी, एक वो अलग लॉस है। तो इसके लिए एक केमिकल का छिड़काव किया गया, फसलों के हिसाब से वो केमिकल आते हैं, वो आलतू फालतू पदार्थों की चिन्हित किया गया है कि अमूमन खेत में कैसे कैसे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, और उसको मारने वाले केमिकल को उसमें मिला दिया जाता है। ऐसे केमिकल को हम लोग खर पतवार नाशी या वेडिसाइड कहते हैं, खर पतवार नाशी या वेडिसाइड। ये खेतों में उगने वाले अनावश्यक पदार्थों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, जिसमें सीमाजीन काफी ज्यादा फेमस है। सीमाजीन क्या है, फेमस है। आपने से कितना लोग खेती किया तो सीमाजीन का यूज किया, बहुत कम, और खर पतवार यूज नहीं करते हैं। 2,4-D सीमाजीन और 2,4-D, 2,4-D केमिकल रहता है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, डाई क्लोरोफिनॉल एसिटिक एसिड,
डाई क्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, क्या होता है डाई क्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, कोई कहेगा टी 240 का फुल फॉर्म डाई क्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, लिखा है कि नहीं जी उसमें देख लीजिएगा, डाई क्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, समझा क्या? देखिए एट्रीजीन भी है, क्वेटा कोर होता है, सीमाजीन होता है, लेकिन दो सबसे फेमस होते हैं सर, एक सीमाजीन होता है और एक 240, सीमाजीन सीमाजीन सीमाजीन, एट्राजीन भी होता है, क्वेटा कोर होता है, क्वेटा कोर, ये दो सबसे ज्यादा फेमस है। इसका एग्जाम में आपको रेलवे में इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, 240 का फुल फॉर्म बताइए, डाई क्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, डाई क्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, डाई क्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड। खर पतवार कैसे पदार्थ होते बहु? वो वैसे पदार्थ जो मुख्य फसल को क्या कर सके, डिस्टर्ब कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, खर पतवार कहा जाता है, उसे नाश करने वाले को खर पतवार नाश। जब ये चीज का खोज नहीं हुआ था इन दवाओं का, तो नेचुरली कौन सा हार्मोन था जो खर पतवार को नाश करता था, ऑक्सीन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन, बट ये ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाता है। 240 सीमाजीन या क्वेटाकोर या एट्राजीन, इसको खेत में क्या करिए, छिड़काव कर दीजिए, सोहाई या कोनो चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेहनत कम पड़ेगी, पैदावार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आप में से भी कई ठो खर पतवार इसमें बैठा रहता है सर, कुछ लड़का कुछ लड़की इसमें क्लासरूम में क्या है सब, खर पतवार है सब, सब उन सब के ऊपर 240 सब चारों छिड़क देना चाहिए एक के बार में। कुछ कुछ लड़का कुछ कुछ लड़की, उनको पढ़ाई से ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए। एगो आके कह रहा है कि सर जी बैठने का जगह नहीं है, हम कहे कि भाई पटना में हम अकेले थोड़े पढ़ाते हैं, अब आदमी क्या कहेगा, आप खुद सोच के देखिए, अगर हमसे कोई लड़का ये कह रहा है कि सर बैठने का जगह नहीं है, तो उस लड़का को खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरह का आंसर सुनने की उम्मीद कर रहा है, उसके लिए सोफा लगा दे, चार चार हॉल है, एक दो तीन चार, अभी एक पांचवा हॉल भी ले लिए, भाई बैठ जाओ उसमें, नहीं हो रहा है एडजस्ट करो, अदरवाइज में हम आपको क्या दे सकते हैं। किसी से सवाल पूछिए तो कम से कम ये उम्मीद रखिए कि वो जवाब सबसे बेस्ट, वो क्या जवाब दे सकता है, हम सबसे बेस्ट क्या जवाब दे सकते हैं कि हमारे कुर्सी बैठ जाओ, एक उम्मीद सोचिए ना। लेकिन हम ये सोचते हैं कि आजकल के लड़कों को हुआ क्या है, बस ये सोचते हैं कि हाँ ये पूछेंगे, ये नहीं सोचेंगे सर के पास इसका जवाब या इसका सॉल्यूशन क्या है, सबको रिजल्ट लेना है, सबको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि हम किसी को गरीब अमीर ऊंच नीच जाति धर्म देख के सीट देते, कभी दिए ऐसा, कब वो दे, कोई टीचर नहीं देता यार, हमको छोड़ो ना, हमको नहीं स्पेशल थोड़ी दुनिया, कोई टीचर ये सब नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जवाब देता है, वो सब क्या है सब खर पतवार। अभी क्या था सब, जब हम आए यहाँ पे देखो पानी फेंक के बगाए, वो सीढ़ी पे खड़ा था, हॉल नंबर एक पूरा भर चुका, इसमें जगह है 50 लड़कों का, कहाँ बैठाते, दो भर चुका है, दो कह रहा है कि तोड़ देंगे गेट, यहाँ खटखटा रहा है इसे। अब स्टाफ से आप लोग के अंदर एक बहुत खराबी है, आप लोग ना उनको उसे उलझ जाते हैं, आप ही लोग के लिए समझना, इसे नहीं उलझिए, वरना हम आपको किस लिस्ट में डाल देंगे खर पतवार, अगर हम डाल दिए लिस्ट में और कहीं आप मेरे रडार पे आ गए, सीधे मारेंगे आपके ऊपर कौन, 240 डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, फिर साफ हो जाएंगे आप लोग, थूरने में भी हम कोई कमी नहीं करते। खैर आप लोग का सहयोग से ही कोई भी चीज चल सकता है, चाहे आपका परिवार हो, आपका कोचिंग हो, आप लोग के सहयोग, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे सबसे ज्यादा कौन भड़कता है पता है, लड़की के सीट पे बैठा है और सुबह 7 बजे से आके, अब बेचारे को 8 बजे कुनवाएगी और उसको उठा देगी, वो बेचारा बहुत एकदम खदखदा के रह जाता है अंदर अंदर, नहीं गया, जैसे लड़की लोग भी टाइम से रहेगी। यहां तक तो हो गया, अब हम आगे का चैप्टर बताते हैं, आगे के चैप्टर का नाम है पादप फूल। ये पीडीएफ अगर मेरा, बोलिए, वो गैसियस फॉर्म में रहता है ना, तो वो गैसियस फॉर्म में ही निकलता है, वो लिक्विड जो उसके साथ फलों के साथ निकल रहा है वो लिक्विड एसिटिलीन नहीं है, वो लिक्विड जो है वो है आपका उस फलों का जूस जो निकल रहा था, अब उसके साथ वो मिक्स है, तो जब वो जूस लगेगा फलों का तो उसमें क्या मिक्स है, एसिटिलीन, अब वो पका देता है, अदरवाइज में ऐसे नहीं, वो गैसियस स्टेज में ही रहता है लेकिन मिक्स है ना, वो अलग से तो उसका कोई गैस का टंकी नहीं है अंदर फल के, जो उसी के अंदर रहे, वो मिक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलिए अब ये पीडीएफ सबको मिल गया, लाइव में चला गया, इसमें आपके एक बहुत बड़ा चैप्टर है,
नाम है इसका पादप कुल, तो छोटा सा है, उसमें कोई बड़ा नहीं है। पादप जगत, जगत मतलब क्या होता है, किंगडम। किंगडम मतलब क्या होता है, साम्राज्य। किंगडम मतलब साम्राज्य, मुगल किंगडम, डायनेस्टी, साम्राज्य। ये किसका साम्राज्य पढ़ना है, पेड़ पौधों का साम्राज्य। ऊपरा वाला पादप कुल तो ये फैमिली है सचरा, किसी का फैमिली कितना बड़ा हो सकता है, खूब से खूब 40 बच्चा। फैमिली कहां बड़ा होता है जी, लेकिन अगर कहेंगे साम्राज्य, प्लांट किंगडम, समझ आ रहा है, किंगडम मतलब पूरा उसका साम्राज्य। अब कहेंगे अकबर का साम्राज्य, उसे जो का 75 को खानदान, सेनापति, मंत्री, विधायक, दुनिया भर का आएगा, समझ आया। तो ऊपर जो चैप्टर है पादप कुल, प्लांट फैमिली, बच्चा वाला है, उसके नीचे जो दे रहा है पादप जगत, पूरी पेड़ पौधों की दुनिया, जितना पेड़ पौधा है ना सब इसी में आता है। अब सोचिए प्लांट किंगडम में ही सारा चीज आता है। और हम लोग जब पढ़ते हैं मानव के बारे में तो हम लोग कभी किंगडम उसको फाइलम में पढ़ते हैं, पेरिफेर, सुने होंगे आप लोग, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, लेंथी हेलमेंथीज, स्केलमेंथीज, एनिलीडा, मोलस्का, आर्थोपोडा, पेरिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, उसके बाद हम लोग आते हैं कार्डेटा। कार्डेटा में विशेष रूप हम लोग आएंगे मेमिलिया में। अब मेमिलिया में विशेष रूप 3 कैटेगरी का, समझ आ गया कि नहीं? तो वो हम लोग अपने वाले में समझेंगे, अभी इस वाले में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पादप कुल या फैमिली, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैमिली, प्लांट फैमिली। कितना फैमिली है कि नहीं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गो है ना। इसमें कंसेप्ट को मारिए गोली, फैमिली में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आलू कौनसी में आता है, कपास कौनसी में आएगा, भिंडी कौनसी में आता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, सूरजमुखी किस में आता है, सूरजमुखी इसमें नहीं होगा ऑप्शन में, आप लोग खोज के लाइए कि दे दिया इसमें, नहीं दिया है, बहुत अच्छा, सूरजमुखी आप लोग को खोज के लाना है, सूरजमुखी का प्लांट कुल। अब हम इसको याद करा देते हैं, किस तरह से याद रखिएगा, समझ में आ गया। ये याद जो हम आपको करा रहे हैं ये बायोलॉजी के हिसाब से नहीं, एक ट्रिक के हिसाब से याद करा रहे हैं। फैमिली में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो वैज्ञानिक काम है, वैज्ञानिक उसको देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं इसको किस फैमिली में रखना चाहिए। अब इसमें एक एग्जांपल है, नेबू, नेनुआ, करेला, कद्दू, ये दिया ना। अब फैमिली का नाम क्या है, कुकुरबिटेसी। देखिए ध्यान से मेरी ओर, कुकुरबिटेसी जितने पौधे होते हैं उनमें एक खासियत होती है, उसमें लत्तीदार इस तरह से जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो करेला फल जाए, कद्दू फल जाए, स्प्रिंग टाइप का क्या होता है उसका जो तना होती है आगे पत्तियां, वो क्या करेंगी, स्प्रिंग टिंडल का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। तो ये ज्यादा देखने को मिलेगा किस कुल के पौधों में, कुकुरबिटेसी, कौन में, कुकुरबिटेसी, समझ में आ गया। अब आप ध्यान से समझिएगा, ऐसे घुमा हुआ कुत्ता का पूंछ होता है, कहता है कुत्ता का पूंछ कभी ठीक नहीं हो सकता, तो जहां घुमावदार पौधों में देखिएगा कुत्ता का पूंछ, कुकुरबिटेसी, क्या बोलेंगे, कुकुर। अब आप बताइए नेनुआ का जो स्प्रिंग हुआ है उसको सीधा करेंगे छोटा टूट जाएगा, लेकिन कभी सीधा होगा, समझ में आ गया कि नहीं। अभी मत कहिएगा कि बायोलॉजी में लिखल है, आपको एग्जाम में याद हो सके, हम बस ये इसलिए बता रहे हैं कि कुकुरबिटेसी जब भी आएगा तो आप कुत्ता का पूंछ याद रखिएगा, कुत्ता का क्या करेंगे, पूंछ याद रखेंगे, और उससे याद रखेंगे कुत्ता का पूंछ घुमावदार है तो सब्जी में जोने में इसे घुमावदार ट्रिंडल मिला, सबको किसमें डाल देंगे, कुकुरबिटेसी। किसी को कोई दिक्कत है, नेनुआ किसमें जाएगा, कुकुरबिटेसी, घेवड़ा किसको बोलते हैं जी, नींबू को, नेनुआ को, लौकी, इस पे भी गाना निकलेगा, लौकी ले लो, अबे वो पुदीना बेच रहा है, अबे वो एक दूसरा उसी कैटेगरी का हीरो है, नेनुआ बेचेगा, बेच दिया वो। चलो अब उसके बाद देखिए रूटेसी, सुनिए एग्जांपल में आप देखेंगे इसमें नींबू, संतरा, मौसमी, रूटेसी, ध्यान से समझिए। हम लोग के दांतों का जो रूट होता है, दांत का क्या चाहिए, रूट, इस रूट में कभी कभी ब्लड आने लगता है या पायरिया हो जाता है विटामिन सी की कमी से, तो खट्टे चीजों को खाएंगे ना तो जितनी गंदगी उसको क्या कर देगा, साफ कर। तो दांतों के रूट के लिए कौन सही है, खट्टा है। तो रूटेसी में जितना चीज आएगा सबका सा खट्टा, नींबू, संतरा, मौसमी, ये रूटेसी में जो खट्टे जूस वाले हैं वो सब किसमें चले जाते हैं, रूटेसी, यानी नींबू कुल के जितने भी रहेंगे, गागर नींबू वगैरह सब किसमें चला जाएंगे, रूटेसी, किसमें, रूटे, टमाटर में कहां चल जाए, नहीं रे जूस वाला है, देखिए ध्यान से, जिसमें जूस रहे, समझ में आ गया कि नहीं, खट्टे चीज जो नींबू के कुल के रहे वो दांतों के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, रूटेसी, समझ में आ गया कि नहीं, कुकुरबिटेसी में, कुकुरबिटेसी है नेनुआ,
संतरा सब चीज किस में जाता है? रूटेसी में चला जाता है। गाजर बोल रहा है अरे गधा कहीं का सो के उठा लेगा आप पे। नहीं नींबू कुल में नहीं आता ओला, नींबू का शक्ल का दिखता है, बाकी संतरा सब किस्में बहुत। तू हर चीज बाबू देख ध्यान से, सब्जी मंडी में जाएगा तो कम से कम तुरा 50 टाइप की चीज मिलेंगे। अब तू 500 ले आके यहाँ पूछेगा सर सबनी का खानदान कुल बताइए, तो हो जाएगा बायोलॉजी तुरा खत्म हो गया। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदमी कंपटीशन में क्या रहता है, जितना आपका है उतना उसको कम से कम शॉर्ट टर्म में आदमी समझा सके। इसके बाद आता है मालवेसी। देखिए मालवेसी में ना लस लसे लासा इसमें जरूर रहेगा। मालवेसी में भिंडी तोड़े हैं, इसमें क्या रहता है लासा। गुड़हल का फूल देखे हैं, उसका पिछवा का जड़ खोल के हम लोग चूस लेते थे, मीठा मीठा लगता था, उसमें भी क्या रहता है लासा। तो मालवेसी में लासा युक्त फल होता है, जैसे क्या लिखा है भिंडी, कटहल, कपास, बेल, अड़हुल। अड़हुल लिख दिया है, अड़हुल अड़हुल है ना फूल जो होता है। गुड़हल का फूल को इंग्लिश में क्या बोलता है पेटाकोर, चाइना रोज, अरे कोई सीबीएसई का नहीं है एगो बोल बाबू बोलिए हेमिस्कस, अरे गोली मार से जाइए अड़हुले बोलो उसको, इसीलिए हम सीबीएसई बोर्ड छोड़ दिए थे। आदमी दिमाग लगाए कंसेप्ट पे कि उकर भाषा कौन सी ओकरा पे, समझना। चलिए ध्यान से समझ, मालवेसी समझ में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मालवेसी में कैसे रहेंगे सब लस लसा, कैसे लस लसा। भिंडी किसमें आएगा माल, अड़हुल का, कपास, नेनुआ, कुकुर भी, खाली कुकुर बोल रही है और खतरनाक है जिसमें आराम से बोले कुकुर। असल में यागवाला भुला गई है, बस अपने देखिए कुकुर तो देख कुकुर भी टेसी उसमें आता है। नींबू संतरा ही सब, नींबू संतरा समझ में क्या। आलू वाला सोलेनेसी से सीधे क्या मार देंगे आलू वाला, क्योंकि सोलेनिन होता है यहाँ पे। अगला रहा सोलेनेसी, इसमें ध्यान से रखिएगा आलू तंबाकू धतूरा, समझ में गए। इसमें काट के बो देंगे तो एक नया फसल आ जाता है, इसको ट्रिक के तौर पे। आलू तंबाकू धतूरा ये सब किसमें आएंगे सब सोलेनेसी। आलू ये पूछता है सोलेनेसी की आलू किसमें जाएगा सोलेनेसी। आलू उसमें क्या पाया जाता है सोलेनिन, सोलेनिन के कारण आलू का रंग कैसा हो जाता है हरा, सोलेनिन के कारण हरा। कुकुर बिटेसी में लतीदा, मालवेसी में लस लसा, मालवेसी में नींबू कुल के खट्टे फल, रूटेसी में आलू किस में जाएगा। ये सारी चीजें, लेकिन पेट भरने के लिए हमको तो ग्रेन चाहिए। ग्रेन माने अनाज, ग्रेन माने क्या कहते हैं, ग्रेन नहीं समझते हैं। ग्रेन मतलब क्या होता है अनाज, ग्रेन मतलब अनाज। तो देखिए इसमें अनाज है, लिलियसी पहले आ गया। अच्छा ग्रेम देखिए उसमें ग्रेमेनी लिखा हुआ है, ग्रेमेनी, ग्रेमेनी किससे आएगा अनाज से। इसमें देखिए क्या आता है, इसमें मोटे अनाज धान गेहूं मक्का, सिंपल है कि नहीं। तो कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक की फैक्टर पकड़ के रखिए, क्योंकि देखिए जहां कंसेप्ट रहता है वहां हम खुद आपको अच्छे से बता देते हैं। इवन ऐसा चैप्टर हम अपने टीचिंग करियर में सबसे फालतू समझते हैं, जिसमें केवल याद कराना, जिसमें आपको हर चीज बहुत ज्यादा समझाने वाला ना हो यहाँ पे। लेकिन हर सब्जेक्ट में सोचो कुछ ना कुछ मिल जाता है यहाँ पे, तो कोशिश ये रहती है कि आपको इस तरह से बता दे जो कि ना भूले। अब इसमें ग्रेमिनेरी से कैसे याद रखें, ग्रेमिनी से क्या रखें, ग्रेन, ग्रेन माने अनाज, ग्रेन माने अनाज। जितने मोटे अनाज हो सके किसमें जाएंगे, नेनुआ इसम, सोलेनेसी, लहसुन और प्याज। देखिए लीली एसी, लहसुन प्याज, लसे लहसुन, अल्लाह से लीली एसी, बस ऐसे ही याद रखिए, ज्यादा दिमाग लगाएंगे चौपट हो जाएंगे। लीली एसी में लहसुन, एक चीज ध्यान से, लहसुन आएगा तो उसका पटदार साथ आएगा प्याज, अदरक आएगा तो उसी का पटदार हल्दी। अदरक और हल्दी का शकल एक ही जैसा रहता है, देखते हैं तो देखने में पटदार लगता है सर, मिलता जुलता शकल रहता है। फोटोकॉपी करके देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा अदरक है कि हल्दी है। इवन कच्चा में तो दोनों साफ ही पता नहीं चलता, हल्दिया तो सूख के तरी टेढ़ हो जाता है पता चलता है। अगर हल्दी है और अदरक है कच्चा, छठ के समय देखिएगा कच्चा हल्दी पूजा प्रसाद में चढ़ता है, क्योंकि आप लोग बिहार के लोग तो छठ का अच्छा अनुभव है आप लोग को। बाकी लाइव वाले लोग में जो बिहार के नहीं रहते हैं वो लोग में छठ मतलब हर जगह होता है, बट जो क्रेज बिहार में है छठ को लेकर वो मतलब
बाहर में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन अगर जहाँ बिहारी बसा है तो वहां तो बहुत रहता है। तो जो हल्दी होता है और अदरक होता है सकल एक जैसा रखता है। तो ल से क्या हो गया, लहसुन, अल्लाह से लिलियसी, तो लिलियसी में लहसुन प्याज, लिलियसी में लहसुन, लसलसे वाले पदार्थ भिंडी मालूम, किसमें मालूम, लसलसे पदार्थ, रूटेसी में कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी में आलू तंबाकू, आलू तंबाकू, आलू कंबाकू, लिलियसी समझना क्या, सरसों क्यूसी फेरी, सरसों में क्यूसी फेरी, इसको ऐसे याद रखिएगा, कोई उपाय नहीं इसका, सरसों का क्यूसी फेरी फैक्ट याद रखिए, नहीं तो आपको इसके लिए पूरा एक हफ्ता लगना पड़ेगा कि किस आधार पर कैसे कैसे कुलों को बांटा जाता है साइंटिफिकली किसी काम करने, समझा, क्यूसी फेरी सरसों, क्यूसी फेरी ल्यूमिनेसी दलहनी फसल दाल, ल्यूमिनेसी दाल, ल्यूमिनेसी में मोटे अनाज ग्रेमिनी, मोटे अनाज ग्रेमिनी, लत्तीदार सब्जी, नींबू कुल के फल, नींबू कुल के फल रूटेसी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, नींबू कुल वाले जितने रहेंगे किसमें जाएंगे, रूटेसी में, ग्रेमिनी में, सरसों बोलिए सरसों, क्यूसी पेरी, सरसों किसमें जाएगा, क्यूसी पेरी, सरसों ग्रेमिनरी में अनाज, दलहन दाल वगैरह, दलहन, लहसुन लिलियसी, लहसुन ल्यूमिनेसी में दाल, रूटेसी में क्यूसी फेरी में सरसों, कटहल किसमें जाएगा, मोरासिया, कटहल पूछता भी नहीं, कटहल नहीं पूछता है, हालांकि देने को दे दिए, हालांकि कटहल उतना पूछता नहीं है, आप लोग का काम क्या ढूंढ के लाएंगे, सूरजमुखी, और सूरजमुखी एग्जाम में पूछेगा, ये हम काम छोड़ दिए आपके लिए, ठीक है, सूरज वाला आपको, सूरजमुखी आपको क्या करना है, खोज के लाना है, अब जहां से खोज के लाइए हम नहीं जानते, नहीं खोज के लाएंगे तो कल थूर देंगे, जो आगे बैठा गया सूरजमुखी नहीं मिला है उनका मुंह हम सूरजमुखी की तरह बना देंगे, कुकुरबिटेसी, नींबू वगैरह किसमें आएगा, भिंडी, आलू, लहसुन, धान गेहूं मक्का, सरसों, क्यूसी फेरी, दलहन, दलहन यार इतना मरियल की तरह बोलेगा, दलहन किसमें आता है, इस चैप्टर को बाबू आप लोग जब भी कभी मिले एक बार नजर उठा के देख लीजिए, जितना आराम से ये डाउनलोड हुआ है ना उतने टाइम से ये अनइंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको समझाए रहते हैं, आपको वो सब चीजें हल्का हल्का याद होती है, और ये सब चीजें जो फैक्चुअल है ना ये हल्का हल्का नहीं, या तो अच्छा से याद होगी या तो पूरा अच्छा से साफ हो जाएगी, इसलिए इसको एक बार पलट पलट के क्या करते रहना है, देखते रहना है, तो हम आपको टोक दिया करेंगे जो कंसेप्चुअल है, अब जड़ वगैरह में नहीं ना भूलेंगे, रूट हेयर क्या होगा यही सबसे हम भुला जाएंगे, यहाँ पे प्लांट किंगडम देखते हैं, किंगडम मतलब क्या होता है, साम्राज्य, भयानक, पूरा दुनिया प्लांट का होता है, पेड़ पौधों में दो कैटेगरी पौधे होते हैं, कितने कैटेगरी, दो, एक जिसमें कोई फूल नहीं लगता है उसे कहते हैं अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, क्रिप्टोगेमी, कौन सी, क्रिप्टोगेमी, कौन सा, क्रिप्टोगेमी, क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेमी, एक जिसमें फूल होता है तो उसे कहते हैं पुष्पोद्भिद, क्या कहेंगे, पुष्पोद्भिद, पुष्पोद, पुष्पोद भी बना लेना लोग, उसमें समझ नहीं आ रहा कहाँ कुछ छूट गया, वो कुछ छूट गया था, मिटा देंगे अभी ज्यादा नोटंगी करेगा तो, हाँ सब लोग बोलो ठीक है, फेनरो गेमी, इसे क्या कहते हैं, फेनरो गेमी, फूल निकलेगा तो फेनरो गेमी, पुष्पोद भी में क्या आएगा, फूल खिलने वाले, पुष्पोद गेमी में फूल, आम किस में जाएगा, उसका भी मोजर लगता है ना जी, अब कुछ ससुर है जिसमें फूले नहीं खिलता, जिसमें फूल नहीं खिलता वो किसमें चले जाते हैं, किसमें, अपुष्पोद्भिद, किसमें जाएंगे, अपुष्पोद्भिद में, इंग्लिश याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम, ऐसे फेनरोगे, बिहार दरोगा में पूछा था वैसे पादप जिसमें फूल खिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फेनरोगेमी,
भाई जान थोड़े पूछेगा पुष्पो देवी कौन मार देगा क्या है फेनरो गेमी, आज इसमें नहीं खुलते हैं उसमें क्रिप्टो गेमी, फेनरो गेमी और क्रिप्टो गेमी। क्रिप्टो गेमी को तीन कैटेगरी में फर्दर बांटते हैं, कितनी कैटेगरी में तीन, थैलो फाइटा, बोलिए कौन सा, थैलो फाइटा, कौन सा, थैलो फाइटा, उसके बाद ब्रायो फाइटा, थैलो फाइटा के बाद ब्रायो, थैलो फाइटा के बाद ब्रायो फाइट, ब्रायो फाइटा के बाद टेरिडो फाइटा, टेरिडो फाइटा, ब्रायो फाइटा के बाद टेरिडो फाइटा, कितने भाग में बांटती है। तो ऐसे सबसे पहले प्लांट किंगडम कितने भाग में गया, दो, कौन कौन, आप पुष्पोदेवी पुष्पोदेवी इंग्लिश बोलते चलिए, क्रिप्टो गेमी फेनरो गेमी, क्रिप्टो गेमी फेनरो, क्रिप्टो गेमी को फर्दर कितने भाग में, कितने भाग में, कौन कौन, थैलो फाइटा ब्रायो फाइटा टेरिडो फाइटा, इसमें सबसे बड़का होता है थैलो फाइटा, इसमें हम फिर चार भाग में बांटेंगे, कितने भाग में, छह, एक होता है कवक, एक होता है शैवाल, कवक और शैवाल, और इसी दोनों को मिला देते हैं तो एक लाइकेन बनता है जिसे सैक कहते हैं, लाइकेन या सैक, और इसी का एक भतीजा होता है जीवाणु, क्या होता है जीवाणु, आप समझ सकते हैं जीवाणु कोई बॉटनी में नहीं आता, एक पेड़ है, जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया क्या है, छोटा साइज का पेड़ है, समझा गया, बैक्टीरिया को किसमें पढ़ना है, बॉटनी में, ये छोटा साइज का क्या हो जाता है, पेड़ हो जाता है, जैसे हमारे फेफड़ा में जाके छोटा साइज का काई, काई देखे, काई हरा रंग का जम जाता है, कहीं कहीं बिछला जाते हैं नल के पास, और जब बिछलाएंगे तब अगर आते हैं कि सफाई नाम का तो चीजें नहीं है, जब पहले दूध देख के आओ, तो जो फेफड़ा होता है इसके अंदर अगर बैक्टीरिया जम जाएगा तो किस तरह का हो जाएगा, काई जम जाएगा, उसको टीवी नामक बीमारी हो जाता है, वही काई भर गया तो क्या हो जाता है टीवी, ऐसे अब बेचारा दम लगाएगा खासेगा, ऐसे बस दम लगाएगा उसको एकदम, बस वो काई छोड़ेगा और छोड़ेगा तो इनसे ब्लड नोच के आएगा, फेंक देगा, ऐसे कहेगा देखो अब मैं मरने वाला हूँ, जो इससे मरो, आज वो लोग टीवी के मर रहे हैं। लाइफ में तीन चीज को कभी मौका मत दीजिए, दुश्मन, ऋण जो लोन होता है, लोन और बीमारी, ये इतने खतरनाक चीज है कि साथ में रहते हैं कब पटक देंगे, विजय माल्या लोन के वजह से, रामानुजन खतरनाक गणितज्ञ टीवी की बीमारी से मर गए वहां पे, नहीं दुश्मन कभी भी पलट सकता है आपको यहाँ, हम लोग थोड़ा मोड़ा लापरवाही किए, लोग चाइन में गलवान घाटी में घुस गया। लाइफ में तीन लोगों को कभी मौका मिले साफ कर दीजिए तुरंत बिना किसी मोह माया के। अब दुश्मन का मतलब ही नहीं कि कोई इनसा बुलासा नहीं हो गया तो अरे खान सर बोले हैं लिया जाए यहां से, अरे ऐसा नहीं, शत्रु कहने का सेंस उससे बराबर दूरी बना के रखे, ये समझ में आ गया। पेड़ पौधों कितनी कैटेगरी बांटे, जिसमें फूल नहीं लगेगा, इंग्लिश में क्रिप्टो गेमी फेनरो गेमी, क्रिप्टो गेमी को कितने भाग में, तीन, कितने भाग में, तीन, कौन कौन, थैलो फाइटा ब्रायो फाइटा टेरिडो फाइटा, थैलो फाइटा ब्रायो फाइटा टेरिडो, थैलो फाइटा ब्रायो फाइटा टेरिडो फाइटा, इसमें से सबसे बड़का संघ थैलो, इसमें कितना चीज, चार, कौन कौन, कवक शैवाल लाइकेन और जीवाणु, कवक शैवाल लाइकेन और जीवाणु, ये सब में हम लोग खाते हैं, ये सब चीज को, ये सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, खाना में क्या करते हैं, खाते हैं, इसको भी खाते हैं। फेनरोगेमी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप, एक बिया ऊपर होता है, एगो का बिया क्या होता है, ऊपर होता है, तो उसे कहते हैं नग्न बीजीय, क्या कहेंगे, नग्न बीजीय, बीवा बाहर झांकते रहता है, स्ट्रॉबेरी देखे हैं, उसका बिया फल के अंदर नहीं रहता है, बार बार झांकते रहता है, फल कहता है कि अंदर आइए आपकी सुरक्षा है, ऐ हमारा सुरक्षा तुम करेगा, बाहर रहेंगे, उगारे घूमता है उसका बिया, उसे क्या कहते हैं, नग्न बीजी, तो जिसका बिया उगारे रहे नग्न बीजी, और जिसका बिया फूल के अंदर है, फल के अंदर है, उसे आवृत बीजी है, कौन सा, आवृत बीजी है, आवृत बीजी है, इसे नग्न बीजी है या अनावृत बीजी, इस साइड उस साइड से क्या मतलब बनता है यार, करेगी सर गलती कर दी है, मेटेरियल में तो ये उस साइड है, ये इस साइड है, अरे यार क्या फर्क पड़ता है इसको, ये रूबी राय के स्कूल से पढ़ा होगा, जो टॉप की थी, टॉप जो की थी, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, हम इसको यहाँ लिखते, इसको यहाँ लिखते, कोई फर्क नहीं है, मतलब तो आपका कहना इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, कोई बात नहीं, यहाँ वाला चीज वह यहाँ लिख देंगे। आवृत बीजी का बिया क्या होता है, ठका रहता है, आम बताइए तो किसमें आएगा, आम, मूंगफली,
आवृत बीज जामुन, धान। आवृत बीज धान ढका नहीं रहता है, धनवा खोलते तब ना चावल निकलता है। तो ये सब क्या होते हैं? आवृत आवृत बीज को फिर दो भाग में बांट सकते हैं। उसका बिया दो भाग में खुल गया तो द्वि बीज पत्री, और ये नहीं खुला तो एक बीज पत्री। कौन सा? एक बीज पत्री। धान किस में आएगा? एक बीज पत्री। आम किस में आएगा? अरे आम द्वि बीज पत्री में आएगा। आम किस में आता है? द्वि बीज पत्री में। हम बीज थोड़े कर रहे हैं, बीज पत्र की बात कर रहे हैं। बिया को, आम की गुठली को जब थोड़ेंगे तो गुठलिया अंदर से जो नरम वाली गुठली निकलेगी तो दो भाग में टूट जाती है। इतने सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बोलिए तो शुरुआत से, कितने भाग में? दो। कौन कौन? अपुष्पद विगर पुष्प। इंग्लिश बोलिए। क्रिप्टोगेमी फेनेरोगेमी, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी, क्रिप्टोगेमी और क्रिप्टोगेमी। कितने टाइप का? तीन। पहला थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा कितने भाग में? कौन कौन? कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। आज ये जो पुष्पोद्भिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेनेरोगे। कितने टाइप का? अनावृत बीजी यानी नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी का काम खत्म। ये जो आवृत बीजी था कितने भाग में? मोनोकोट डाइकोट, मतलब एक वृक्ष पत्री और द्विबीज। अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज बता दिए, अब जिनका हिस्ट्री नहीं है वो निकलेंगे।